पारिक साहब, आप इनकी बात से इत्तेफाक यहाँ पर रखते हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, साथ ही साथ ट्विटर, ये जो तमाम कंपनियां हैं, ये भी इसी तरह का बिजनेस मॉडल अपना रही है। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं तो अभी मैंने नहीं मानूंगा कि वो जो, देखिए, कोई भी कंपनी फॉरेन या इंडियन, यदि इंडिया में फ्रॉड कर रहे हैं तो उन वो सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि गूगल्स वगैरह करते क्या, करते क्या जो इन लोगों ने किया कि लोगों को बोला कि आप आ जाओ, आप मेंबर बन जाओ और इतना पैसा दो, फिर आप वो इतना मिलेगा। तो ये चीज़ें जब तक मुझे मालूम है, कोई गूगल्स वगैरह ये काम तो नहीं करते हैं। तो जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हो पब्लिक को कि आ जाओ, आप पैसे लाओ, मैं आपको पैसा बढ़ा के वापस करूँगा, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो यदि फ्रॉड्यूलेंट है तो ये और गूगल वगैरह में चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं एज ए एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हूँ, मैं अभी किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब तक फाइंडिंग नहीं आ जाए, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइंडिंग आएगी, तब वो बोले कि उन्होंने फलाना एक्ट, फलाना सेक्शन को वायोलेट किया है, तब उन पे क्या उनको हो जाए। सर, मेरे साथ राम खन्ना साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, अभी अभी जुड़े हैं। मिस्टर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, जिस बिजनेस मॉडल की ये लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोशल ट्रेड है एक तरह से, कंपनी एड्स देती है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, आप साइड में देखते हैं कि आप हमें लाइक करें, आप महीने का इतना कमा सकते हैं, दिन का इतना कमा सकते हैं, कह रहे हैं कि सोशल ट्रेड है हमारा बिजनेस मॉडल, बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि अगर ये बिजनेस मॉडल सही है तो किसी तरह की रेगुलेटर की मंजूरी इन लोगों को लेनी चाहिए, कुछ इस तरह का पूरा रूल एंड रेगुलेशन यहां पर बनना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में इंटरनेट पे जिस तरह का डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, इकोनॉमिक डिस्कोर्स, ट्रेड हो रहा है, उस पे किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। और इस स्थिति में जो हमारे देश के नॉर्मल कानून है, इंडियन पिनल कोड, वो लागू होता है। तो सवाल यह है कि अगर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है वेबसाइट्स पर, सोशल साइट्स पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लाइक करना, किसी ऐड को या किसी ब्रांड को या नाम को प्रमोट करना, और कोई कंपनी पैसा कमाती है इसको करने से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट है। जब तक ये नहीं प्रूव हो जाता कि किसी को पैसे लेकर उसका बेवकूफ बनाने के लिए क्रिमिनल इंटेंट थी, यानी कि जिसमें चीटिंग हुई या फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो ये जो इंडियन पेनल कोड के बेसिक प्रोविजंस हैं 420 के, अगर ये प्रूव कोई कर सकता है तो तभी वो इलीगल बनेगा, अदरवाइज तो उसमें मुझे तो कोई इलीगल लगता नहीं है। जी जी, मेरे साथ सुमित अग्रवाल भी हैं जो कि एक्स लीगल एडवाइजर हैं सेबी एंड पार्टनर के, सुवान लॉ एडवाइजर्स के साथ ही फिलहाल हैं। मिस्टर अग्रवाल, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि हमने सेबी से बात की और पूछा कि भाई ये जो कंपनियां हैं ये किसके अंडर में आती है, तो सेबी ने कहा कि हमारे अंडर में नहीं आती है। अब देखिए, ये कंपनी कह रही है कि लोगों से हमने पैसा लिया लेकिन वो निवेशक नहीं है, वो पब्लिशर हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर हमने अपना एड यहां पर पब्लिश किया है। तो आप मुझे बताइए कि आखिर ये किसके अंडर में आता है, कौन है इसका माई बाप यहाँ पर? थैंक यू। मैं जी बिजनेस के सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये मामला काफी पेचीदा है, और सामान्यतः जो कंपनियां धोखाधड़ी वाली या डिपॉजिट लेने वाली कोई भी स्कीम चलाती है, तो इन सारी स्कीमों को भारतीय कानून में तीन तरीकों से देखा जाता है। एक तो कानून है प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के नाम से, ये 1978 का कानून है, और ये कानून वित्त मंत्रालय के अंडर में राज्य सरकार इंप्लीमेंट करती है। और जो स्कीम जिनको हम जनरली जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स या चेन मार्केटिंग स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स, ये सारी उस एक्ट के अंडर में आती हैं। जी। जबकि सेबी के अंडर में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मतलब वो स्कीम्स नहीं है जो प्योरली फ्रॉड है। ये सामान्यतः एक भ्रम है, और सेबी से एक एक्सपेक्टेशन है कि जो भी कोई भी स्कीम जिसमें फ्रॉड हो रहा है वो सेबी को जांच करनी चाहिए और सेबी को एक्शन लेना चाहिए। जबकि आप अगर कानून देखेंगे तो सेबी एक्ट के एक सेक्शन है 11A, उसके अधीन सारी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो एक लेजिटिमेट और जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी है, जिनको रजिस्टर कराना चाहिए, और अगर आप उस स्कीम को रजिस्टर नहीं कराते हैं सेबी के साथ में, तो उस नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए
सेबी उनको पिनलाइज करता है। मिस्टर अग्रवाल, जिस तरह की काम ये वेब वर्क कर रही है, कह रही है कि हम पैसा ले रहे हैं लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिशर है, क्या ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में आता है? सीधे सीधे ये कह देना कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में आता है, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। पर कानून में एक प्रोविजन है कि अगर आप किसी भी ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा का अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जी, तो उसको CIS के अंडर में लिया जा सकता है जी। और वो कब पता चलता है सर? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियों का खुलासा जब हो जाता है, फ्रॉड के नाम पर हो जाता है जब खुलासा, उसके बाद सरकार ये कहती है कि इस कंपनी ने ऐसे किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, पैसे लिए गए, लोगों के बहुत सारे पैसे इसमें अटक जाते हैं। क्या उस समय पर इस तरह की बयानबाजी करना सही है, या फिर आपको लगता है कि उससे पहले ही आपको नियम कानून स्पष्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है। मिस्टर खन्ना, आप भी जानते हैं कि सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पर है, सबके सामने है, खुल्लम खुल्ला है, ऐसे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को और बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर देना चाहिए? देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस तभी क्लैरिफाई करने के स्कोप होता है जब रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जी। फेसबुक पे क्या पोस्ट होगा क्या नहीं होगा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसका। जो नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारतीय संविधान के अंदर, फ्रीडम टू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऑफेंस बनता है वो तब बनता है जब कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल करें या किसी गलत बात को बयान करें या कोई फ्रॉडलेंट चीज करें, तो आप कॉज ऑफ एक्शन बनता है। परंतु जहां तक सेबी की बात है, सेबी का काम है कैपिटल मार्केट में। वो ये कहती है कि आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है बिजनेस के लिए, तो आप हमारे से रजिस्टर होइए और फिर उसके हिसाब से आप IPO लाइए आप, और उसके रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए। और यदि आप उसको करे बिना करते हैं, जैसे सहारा को उन्होंने और पर्ल ग्रुप को उन्होंने अपने नीचे लिया, उन्होंने ये कहा कि आपने पैसा इकट्ठा किया विदाउट परमिशन ऑफ सेबी और विदाउट फॉलोइंग द रूल्स, तो परंतु इस तरह का जो काम है वो कहता है कि मुझे डिपॉजिट दे दो, मेरी स्कीम है कि आप लाइक करोगे और मैं आपको पैसा दूंगा। और ये कंपनियां टैक्स भी दे रही हैं सर? नहीं, तो टैक्स तो देंगे ही, क्योंकि वो बिजनेस अपने वो उनका क्लेम है कि हमारा बिजनेस लेजिटिमेट है। अब मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्यों एक्शन लिया गया, किसके कहने पे लिया गया, पर बार बार देखा जाता है कि जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो उसके राइवल्स उससे ईर्ष्या और जेलेसी के कारण भी उसके खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत होता है क्योंकि ये स्कीम्स बहुत लुभावनी होती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी है, जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पर हमारे सामने लाए। प्रकाश, लोग आपके साथ मौजूद हैं और मैं, आप, हम सब लोग इन सोशल मीडिया साइट्स पर हैं, और जाहिर तौर पर जब इस तरह का कोई एडवर्टीजमेंट अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो थोड़े से अट्रैक्टेड जरूर हो जाते हैं कि यू नो लेट मी जस्ट ओपन इट एंड सी व्हाट्स देयर इनसाइड इट, क्या मैं इजी मनी कमा सकता हूं। क्योंकि देखिए, बहुत इजी मनी है ये कि आप लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और आप पैसे आराम से कमा लेंगे। क्या लोगों के बीच जागरूकता है इस बात को लेकर कि भाई ये कंपनियां जो है ये फ्रॉड भी हो सकती हैं, आपका पैसा फंस भी सकता है? शायद कहीं ना कहीं जागरूकता अगर है भी तो भी वो सोच समझ का इस्तेमाल ना किए बगैर इनमें पैसे भी लगा देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं सेक्टर 2 में हूँ, उस ऑफिस के, उस कंपनी के दफ्तर के बाहर हूँ। वे वॉक नाम की कंपनी है, काफ़ी इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं, काफ़ी लोग हैं, कंपनी जिनको पब्लिशर कहती है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के स्कीम्स में जब उन्होंने पैसा लगाए, उन्होंने किस तरह का बैकग्राउंड देखा, किस तरह के फायदे उनको हो रहे हैं, कितना रिटर्न उनको मिल रहा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीधे सर, आप बताइए, आप भी आपने पैसा लगाया हुआ है, आपका अभी तक एक्सपीरियंस क्या रहा और आपके कितने पैसे लगे हुए हैं? एक्चुअली मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 1,00,000 रुपये लगाया था और मैं डेली की पर डे इनकम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है, मैं तो ये कहूँगा कि सबको ज्वाइन करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसे डिले आ रहे, काफ़ी देर से आ रहे हैं, आप बताएं, आपने भी सर पैसा लगाया हुआ है? नहीं नहीं, हमारे पैसे बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ पारिक साहब तो है ही। पारिक साहब, आपने लोगों की बात यहाँ पर सुनी जो कह रहे हैं कि हमारे पैसे आ रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, हमें टाइम टाइम पर पैसे मिलते हैं, क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? यहाँ पर इजी मनी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन किसी रूल एंड रेगुलेशन के अंडर नहीं आती है ये कंपनियां। हाँ जी, मेरे ख्याल से सरकार का ड्यूटी है कि ये सब ऐसा झगड़ा हो जाए उससे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे। सोशल मीडिया मालूम है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी मालूम है, आज की डेट में हमारे देश में भी बहुत सारे लोग उसमें
रात दिन वो उसके अंदर काम करते रहते हैं, हाँ। देखते हैं कुछ कुछ इन्वेस्ट नहीं करना तो अभी उसमें वेस्ट तो काफ़ी टाइम करते हैं। तो जब सरकार को मालूम है तो सरकार को एडवांस में इसको प्रोटेक्शन के लिए, लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक रूल्स रेगुलेशन लाना चाहिए कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, सोशल मीडिया पर काम करते हो, उसके लिए कानून बनाना चाहिए सरकार को एडवांस में। ये सब होगा फिर धोखाधड़ी की बात आएगी, फिर बाद में काम करो। आई एग्री विद यू सर, मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल, इफ यू कैन हियर मी सरकार जी, सर माफ कीजिएगा, समय कम है इसलिए आपको रोक रही हूँ। मिस्टर अग्रवाल, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी मल्टी लेयर मार्केटिंग स्कीम्स के तहत इस तरह की कंपनियों को पैसा देती है कि आप हमारी वीडियो, आप हमारा पोस्ट ये वायरल करा दीजिए, ये भी उनके सोशल मीडिया प्लान में या फिर मार्केटिंग प्लान के अंदर आता है। अब इस तरह की पेमेंट्स को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? मैं बिल्कुल इस मामले से अग्री नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जो वर्ल्ड ओवर लाइक फार्मिंग या क्लिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। जी, फार्मिंग जैसे अपन खेती करते हैं वैसे क्लिक की आप खेती कीजिए या आप लाइक की खेती कीजिए, ये चाहे आप किन्हीं ह्यूमंस को बोलिए कि आप जाइए हमारे अकाउंट पे और जाके अच्छे रिव्यूज लिखिए, आप लाइक पे क्लिक कीजिए, या फिर चाहे आप ऐसी एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर तैयार करें जिस जो अलग अलग प्रोफाइल्स पे जाके लाइक करें। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, boostlikes.com हुआ, सोशल फार्मूला हुआ, मैमथ सोशल्स हुआ, जहां जाके आप लाइक्स खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आपके फेसबुक पे खुद इस तरीके की स्कीम है, पर आप ये जरूर देखेंगे फेसबुक के खुद के लीगल डिस्क्लेमर पे कि फेसबुक खुद इस तरीके की स्कीमों को एंडोर्स नहीं करता है, और ऐसे स्कीमों को डिस्करेज करने के लिए फेसबुक ने कई बार पहले कम से कम 2 बार प्रेस रिलीज भी निकाला है। और ऐसी गतिविधियां ज्यादातर आपको भारत में, फ्रांस में, इजिप्ट में पाई जाएंगी, और आप देखेंगे कि इसके लिए कहीं भी कोई भी फिक्स कानून बनाना थोड़ा मुश्किल है। सर फिक्स कानून बनाना मुश्किल है, लेकिन यू नो द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस शो वाज कि हम लोगों को जागरूक कर सके इस बात के लिए कि देखिए आपकी वेबसाइट पर, आपकी सोशल मीडिया साइट पर बहुत सारे ऐसे एड्स आते होंगे, सोच समझ कर आप अपना पैसा लगाइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में ये कंपनीज नहीं आती हैं, सेबी इसकी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी या जांच लेने को तैयार नहीं है। हमने सेबी को, सेबी से बातचीत भी की, आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि दूसरी एजेंसियां जांच कर रही है, जांच से सेबी ने इनकार कर दिया है और कहा कि दखल की जरूरत नहीं है। तो हम यही जानना चाहते थे कि कलेक्टिव अंडर इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर नहीं आती है, लोग कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टर नहीं है, पब्लिशर हैं, तो बस यही कि ईजी मनी आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप किसी गलत कंपनी में या किसी गलत इस तरह की वेबसाइट में अपना पैसा ना फंसा बैठे, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल। और कंपनी का कोई अगर ऐसा मॉडल हो जहाँ ना कोई रियल एस्टेट है आपका, असेट कोई नहीं है, कोई जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, और अगर कोई खोखा कंपनी है, तो ऐसे में अगर इन्वेस्टर्स का लॉस होगा तो उससे पहले उनको अपने आप को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिस्टर खन्ना, मिस्टर पारेख और साथ ही साथ प्रकाश, आपसे भी धन्यवाद चाहूंगी, यहाँ पर समय की थोड़ी कमी है इसलिए दर्शकों से भी इजाजत चाहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।